भाई साहब हमारी बतखें जो है ना नहा रही हैं और दानेदार अंदर चला गया है, उसको शायद सर्दी लग रही है और टिपाल जो है ना नहा रही है मजे से। चेक करें तो दानेदार अंदर काम चेक करें, दानेदार के फाउंटेन से पानी मैंने निकाल के बाहर गिराया है। ये देखें, मैंने कहा रात को यार सफाई कर देंगे थोड़ी सी, ताकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो सफाई होनी नहीं, तो रात को करेंगे। तो देखें वो दानेदार सामने जो है ना नहा रहा है। और एक और चीज़ आज मैं लेके आया हूँ, जो वो ये है कि इनकी कबूतरों की हमारे पानी वाली बोतल और दाने वाली जो है ना प्लेट लेके आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार दाना जो है ना नीचे वैसे बड़ा गिराते थे ये वाली कोलियों से ना दाना नीचे बहुत ज़्यादा गिर जाता था, तो मैं इसकी वजह से ना फिर इनके लिए वो चीज़ें लेके आया हूँ, ताकि यार दाना भी ना नीचे गिरे इतना। और फीड वगैरह करवानी होती है इन्होंने अपने बच्चों को, ठीक है, खाना खिलाना होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है इनके लिए। तो फिर मैंने जो है ना इनका साफ़ सुथरा जो है ना काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रैबिट्स को कूलर वगैरह लगा के दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो माशाल्लाह से अब खाना शुरू हुए हैं। पहले खा भी नहीं थे रे, क्योंकि पहले कूलर नहीं था मैंने चलाया, तो एग्जॉस्ट चल रहा था। फिर मैंने कहा यार कूलर भी चला देते हैं, गर्मी है, तो जब कूलर चलाया ही है साथ ही वो खाना भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के करम और फजल के साथ शुक्र के साथ आज का भी ला करते हैं हम शुरू। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वो ना मुझे काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि भाईजान आप इस साइड से जो है ना वीडियो शुरू किया करें, हमें आपका पीछे वाला व्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा आता है, तो जो है ना आप इधर से वीडियो जो है ना शूट किया करें। तो मैं आगे से कोशिश यही होगी मेरी कि मैं इधर से जो है ना वीडियो शूट किया करूं। तो बकाया जो है ना अभी जाना है हमने अंदर, और अंदर जो है हमारे चूज़े हैं, चूज़ों को भी जाके देखना है। काफ़ी दिनों से आपको चूज़े भी मैंने नहीं दिखाए, तो मुर्गियां मेरी डर गई हैं, मेरे से ही कैमरा देख के शायद डर चुकी हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। अब इन चूज़ों का जो है ना कचरा वगैरह मैंने उठाया है, तो इन्होंने फिर नीचे कचरा मचा दिया यार, मैं इनका क्या करूं यार भाई साहब, समझ नहीं आती। अब तो केज भी इनका इतना बड़ा ला के दे दिया इनको, फिर भी इनको सुकून नहीं है कहीं पे। अभी ये देखे नीचे जो है ना दाना वगैरह जो है ना फेंका है, पानी वगैरह इनका भर के रखा है, मैंने कहा ताकि यार आराम से जो है ना ईजी हो गए खाएँ, तो फिर भी ईजी हो गए नहीं खाते, बस लड़ लड़ के खाना है इन्होंने जैसे भी खाना है। इतना दाना है अंदर, इतना दाना है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ भाई, जो अंदर आया ना मैं, मुझे भी खुशखबरी मिली है, तो फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ क्यों ना शेयर करूँ, तो वो तो शेयर करनी बनती है ना या नहीं बनती। पहले ना भाई साहब मुझे यकीन नहीं था हो रहा, ये ऊपर बैठी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं वैसे ही कोई बैठी हुई है, अक्सर जो है ना इधर आके ना बैठ जाती थी अंदर, तो वो सामने में मैंने पहले देखा, पहले सामने सारा ध्यान दिया, तो फिर मैंने जो है ना इधर देखा, तो इधर भाई साहब एक अंडा दिया हुआ इस तोती ने हमारी ने, ये देखे एक तो अंडा दे दिया है भाई साहब, आगे से पता नहीं अंडे और देगी कि नहीं देगी, एक अंडा तो भी दिया हुआ इसने भाई साहब, चेक करो एक अंडा दिया है, तो उम्मीद है कि आगे से भी अंडे देगी, तो अब मजीद ज़्यादा जो है ना इसको तंग नहीं करना हमने। इनको छुपा के मैंने रखा हुआ है साइड पर, ताकि यार इधर किसी का ध्यान ना जाए, बस मेरे अलावा और भी ना देख सके, तो मैं ही देखूं इनको अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ही इनको देखता हूं ज़्यादा। तो अभी गर्मी के हालात देख लें आपके, कैसे मुझे पसीना भी आ रहा है और कैसे जो है ना मेरी कपड़े भी अंदर से जो मैंने पहनी हुई है अंदर वाली शर्ट ये भी गीली हो गई है, तो बस अभी थोड़ा सा ना गर्मी जाती है, तो फिर ही आपको मिलते हैं। इस टाइम तो जो है ना बर्दाश्त बाहर हो रहा है बिल्कुल मेरे, मैं कोई एसीओ में बैठने वाला लड़का नहीं हूँ, मैं तो बस एक इंजॉय करने वाला लड़का हूँ, लेकिन फिर भी यार आज जितनी गर्मी है ना मुझे जितनी लग रही है, माशाल्लाह से मुझे रोज़ों में तो बिल्कुल रोज़े नहीं थे लगे, लेकिन आज गर्मी जो लग रही है ना वो एंड हो गया भाई साहब। अभी भाई साहब भागता हुआ मैं ऊपर आया हूँ, वो यार कूलर चल रहा था, तो कूलर जो है ना इधर से बंद कर देते हैं, ये इसका पानी भी बिल्कुल सारा खुश्क हो चुका है इधर से, तो ये काम खराब हो जाना था अभी, इसलिए कि
मोटर जो है ना अंदर वाली जल सकती है, क्योंकि पानी से बगैर वो कहते हैं चले तो मोटर ख़राब हो जाती है। तो मेरे तो जहन में भी नहीं था, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था तो जिसकी वजह से मुझे नहीं पता लगा। अभी इसका शू निकाल देते हैं बीच में से, तो एग्जॉस्ट फैन जो है ना चलता रहने देते हैं, तो शू निकाल लें सब टपाल और दानेदार को भी बंद कर देते हैं। अब आराम से अंदर चले जाते हैं, अब इतनी टेंशन नहीं है। ये देखें जी भाग भी गए अंदर, चेक करो। मैंने आपको जो है ना सही तरह बर्तन नहीं थे दिखाए इनके, तो अभी देखें कि इन्होंने दाना भी नहीं इतना बाहर गिराया और दाना जो है ना बच भी गया ट्रे में। तो आराम से खाते हैं और बच्चों की तरफ भी देख लें यार, बच्चे कल भी नहीं दिखाए आपको माशाल्लाह। अच्छी खासी जो है ना रौनक लगी हुई है अंदर भी, चेक करें भाई साहब माशाल्लाह दोनों बच्चे हैं। और ना ऊपर ब्लैक ब्लैक जो है ना इनके पर भी आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक पर आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है ना बड़े हो जाएंगे। तो तोतों की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यार वो भी अंडों में अंडे देंगे, कि बच्चे हमारे भी तोतों के होंगे, बिल्कुल मुझे नहीं था पता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज यूँ ही मैं ऊपर गया, उनकी चूज़ों की सफाई कर रहा था नीचे से थोड़ी सी, तो मैं सफाई करते करते ना मैंने कहा चलो यार आज उठा के देखते ही हैं, कि एक पैरेट नहीं नज़र आ रहा, तो वो नीचे से मैं देख रहा था एक नज़र नहीं था आ रहा, तो वो बैठा हुआ था अपने घोंसले में। मैंने कहा यार आज ऊपर से उठा के देखते हैं, ऊपर से उठा के देखा भाई साहब अंडा, मेरे रिएक्शन ही कुछ और हो गया, मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार मेरी भी फीमेल क्या नाम है पैरिट ने अंडा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं अब ये अंडे को सही तरह कवर करती है कि नहीं करती, ये भी चेक करते हैं, इससे भी पता लग जाएगा। तो खैर अभी इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।